हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं रिसर्च, और रिसर्च में हमारी यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम देखते हैं रिसर्च प्रॉब्लम में हमारे टॉपिक क्या क्या रहेंगे। रिसर्च प्रॉब्लम में हमारे टॉपिक रहेंगे इंट्रो, डेफिनेशन, सोर्सेस, क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, और फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने की जो प्रोसेस है वो, तो ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे इसमें। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं रिसर्च, और रिसर्च में हमारी यूनिट नंबर 3 है रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम इंट्रो की बात करेंगे कि इंट्रो में क्या लिखा हुआ है। इंट्रो में लिखा हुआ है कि ए रिसर्च प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन दैट द रिसर्चर वांट टू आंसर। ठीक है, एक रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है, एक रिसर्च प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर किसको चाहिए, रिसर्चर को चाहिए। जब हम रिसर्च प्रोसेस पढ़ रहे थे उसमें हमारा सबसे पहला स्टेप यही था, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट द रिसर्च टॉपिक। ठीक है, तो रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप यही होता है, जिसको क्या किया जाता है, एक टॉपिक को प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों कन्वर्ट किया जाता है, ताकि वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है जिसका जवाब किसको चाहिए, रिसर्चर को चाहिए। ठीक है, आगे ये बोल रहा है इट इज़ ए प्रॉब्लम दैट द रिसर्चर वांट टू सॉल्व। आगे बोल रहा है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक प्रकार की समस्या ही है। प्रॉब्लम क्या है, एक रिसर्च प्रॉब्लम एक प्रकार की क्या है, प्रॉब्लम है, सामान्य प्रॉब्लम है। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हैं हम उसको, रिसर्च प्रॉब्लम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम किसी सामान्य प्रॉब्लम को रिसर्च करने जाते हैं तब वो रिसर्च की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम एक प्रकार की प्रॉब्लम है दैट द रिसर्चर वांट टू सॉल्व, जिसका रिसर्चर क्या चाहता है, सॉल्व करना चाहता है। ठीक है, आगे देखो, आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। साफ साफ लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रॉब्लम होती है उसको तो आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, और जो टॉपिक होता है उसको फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम और फॉर्मुलेट द रिसर्च टॉपिक। तो रिसर्च टॉपिक को क्या किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। फॉर्मुलेट किसको किया जाता है, टॉपिक को, और आइडेंटिफाई किसको किया जाता है, प्रॉब्लम को। ठीक है, ये जो चीज़ है ये हमारी रिसर्च प्रोसेस, कोई भी रिसर्चर या व्यक्ति रिसर्च करने जाएगा तो पहली स्टेप यही रहेगी। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। पहली स्टेप है रिसर्च प्रोसेस की, पिछले यूनिट हम पढ़ के आए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च प्रोसेस की ये पहली स्टेप है। ठीक है, और देखो टॉपिक जो है, जैसे हमने टॉपिक फॉर्मुलेट किया, ठीक है, तो बाद में इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्रॉब्लम में, ताकि क्या किया जा सके, एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है बच्चों, आगे देखो, सिलेक्शन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। देखो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम का जो सिलेक्शन होता है वो किस पे डिपेंड्स करता है, सेवरल यानी कई फैक्टर्स जो कारक हैं उन पे डिपेंड करता है। लाइक का मतलब होता है रिसर्च में, जैसे यहाँ पे आर का मतलब है रिसर्चर की स्किल, रिसर्चर का इंटरेस्ट, रिसर्चर का एक्सपर्टाइज मतलब एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव होता है, एक्सपर्टाइज होता है मतलब किसी भी चार्ज में निपुण, एक्सपर्टाइज होता है निपुणता। ठीक है, रिसर्चर का मोटिवेशन और रिसर्चर की क्रिएटिविटी, कि कैसा उसका क्रिएटिव माइंड है। ठीक है बच्चों, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एक रिसर्चर किस प्रकार का रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, या फॉर्मुलेट करता है, पूरा इसी पे डिपेंड होता है। हमेशा जो गुड रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक होता है वो
अगर इसमें स्किल इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा रहेगा रिसर्चर का तो हमेशा गुड रिसर्च प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई होगा और रिसर्च अच्छी होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ आर प्रॉब्लम, इसका मतलब है रिसर्च प्रॉब्लम, ये हमारी यूनिट का नाम है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 है रिसर्च में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ आर स्किल, इस यहाँ पर रिसर्चर है, इसका मतलब क्या है, रिसर्चर। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले नोट्स, वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद आपको नोट्स उतारना है और नोट्स उतारने के बाद में वीडियो कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है रिसर्च प्रॉब्लम यूनिट का इंट्रो, तो आप उतार लीजिए, उसके बाद में हम आगे देखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, हाँ तो बच्चों आगे डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में हमारे पास 3 डेफिनेशन है रिसर्च प्रॉब्लम की, तो तीनों डेफिनेशन में से नंबर 1, सबसे पहले तो आप नोट्स उतारें, वीडियो को पॉज करें और नोट्स उतारें। ठीक है, देखो नंबर 1 डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर। कर्लिंगर साहब क्या कह रहे हैं, ए प्रॉब्लम इज ए, या मैं बोलूं कि ए रिसर्च प्रॉब्लम इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक, क्या बोलते हैं इसको, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सेंटेंस या स्टेटमेंट है। मतलब रिसर्च प्रॉब्लम एक प्रकार का क्या है, एक क्वेश्चन वाचक स्टेटमेंट या सेंटेंस है, मतलब ऐसी कोई बात है जो हमसे कुछ पूछना चाहती है। ठीक है, दैट आस्क व्हाट रिलेशन, आरएन का मतलब क्या है, रिलेशन। एक बार फिर से सुन लो, आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है, रिलेशन इसका मतलब क्या है, रिलेशन। रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, जो ये पूछना चाहता है कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, जैसे कि मान लो कि राम कोई रिसर्च करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। किस पे रिसर्च करवानी है इसको, जैसे मान लो कि जीन थेरेपी पे क्या कर रहा है, ये रिसर्च कर रहा है। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, कोई डिजीज पे रिसर्च कर रहा है, एक रिसर्च करने वाला कोई व्यक्ति है, किसी डिजीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है। अब रिसर्च के लिए इसको क्या चाहिए, डेटा। ठीक है, डेटा कौन देंगे, लोग। अब जो लोग हैं, जो सेलेक्टेड हैं, जो लोग हैं सेलेक्टेड हैं, वो इसका क्या है, इस डिजीज से संबंधित जो सेलेक्टेड सैंपल हमारे रिसर्चर ने लिए हैं, तो इसमें देखो कौन कौन आ जाएगा, एक तो सैंपल, एक स्टाफ, एक एनवायरनमेंट जो हमने कंट्रोल किया है। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, वेरिएबल हैं, और इन वेरिएबल से हमारी रिसर्च को क्या होगा, बेनिफिट। ये तो सब हमारे काम के लोग हैं। ठीक है, अब होता क्या है, देखो कुछ ऐसे चीज़ होती हैं जो हमारी रिसर्च को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। कुछ ऐसे लोग जो हमारी रिसर्च का भाग नहीं है, फिर हमारी रिसर्च को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। कुछ गवर्नमेंट इश्यूज जो हमारी रिसर्च को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनको बोलते हैं एक्स्ट्रानियस, एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये तो हुई वेरिएबल्स की बात। वेरिएबल्स वह चीज़ होती है जो किसी सिचुएशन, परिस्थिति या गुणों को बदलने की एबिलिटी रखता है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, ये तो वेरिएबल्स की बात हुई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखो, रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है। देखो डिजीज का इस व्यक्ति से जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है उसका इससे क्या रिलेशन है, अगर उसकी जानकारी हमारे क्या काम की। ठीक है, अगर मान लो इस व्यक्ति को कभी ना कभी कैंसर हुआ हो, ठीक है, कोई बीमारी हुई हो, ठीक है, इसका डेटा हमने प्राप्त किया, अब इसकी जो जानकारी है इससे जो व्यक्ति सही है, एकदम फिट है, उसके लिए क्या फ़ायदा। तो ये पहला वेरिएबल, वह दूसरा वेरिएबल, तो दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, मान लो कोई नई चीज़ हमें मिलती है, कोई धातु मिलती है, ठीक है, कोई धातु एलिमेंट्स मिलता है हमको। अब वह एलिमेंट्स और वह और व्यक्ति जो उसको खोज रहा है,
वह एलिमेंट्स उस व्यक्ति के लिए या मनुष्य के लिए किस प्रकार बेनिफिशियल है या किस प्रकार हार्मफुल है, तो एक रिलेशन हो गया, ठीक है। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो एक प्रकार का प्रश्न पूछने वाला वाक्य है, जिससे ये स्टेटमेंट है जिससे ये पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो कर्लिंगर के अनुसार रिसर्च प्रॉब्लम एक इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है, और उस वह वाक्य यह पूछता है कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। नंबर दो, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ के अनुसार रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइंड एज ए सिचुएशन। वुडवर्थ साहब थोड़े अलग तरीके से सोच रहे हैं। इनका मानना है, देखो, कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है एक सिचुएशन है। सिचुएशन बोले तो परिस्थिति, क्या है, परिस्थिति है, फॉर विच वी हैव नॉट रेडी फॉर सक्सेसफुल। वुडवर्थ के अनुसार रिसर्च प्रॉब्लम एक सिचुएशन है, और उस सिचुएशन के लिए हम लोग क्या है, तैयार नहीं है। लिखा हो ना, वी हैव नॉट रेडी फॉर सक्सेसफुल रेस्पॉन्स इंस्टेंट, तुरंत सक्सेसफुल रेस्पॉन्स देने के लिए हम तैयार नहीं है। एक ऐसी सिचुएशन है, क्या, रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसे इसका तो लेटेस्ट एग्जांपल ये कोरोना है। कोरोना डिजीज के लिए हम सक्सेसफुल तैयार बिल्कुल नहीं थे, हम क्या, कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था, ठीक है। तो वी मस्ट फाइंड आउट व्हाट टू डू, जिस हम, यहाँ तक एक बात हो गई। आगे बोल रहा है कि वी मस्ट फाइंड आउट, तो हम पता लगाते हैं किसका, व्हाट टू डू, क्या करना है, तो हम पता लगाते हैं कि क्या करना है। तो वह जो टॉपिक रहेगा, वह जो सिचुएशन रहेगी, उसको बोला रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन देखो अदर वर्ड्स में, ए रिसर्च प्रॉब्लम इज एन एरिया ऑफ कंसर्न। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक एरिया है, एक ऐसा भाग मैं बोल सकता हूँ या क्षेत्र बोल सकता हूँ, जिसके बारे में क्या किया जाता है, बातचीत की जाती है या डेटा लिया जाता है, डेटा लेना, ठीक है, समझ रहे हो। ए रिसर्च प्रॉब्लम इज एन एरिया कंसर्न, एरिया ऑफ कंसर्न, रिसर्च प्रॉब्लम एक बातचीत करने का एक भाग है, वेयर इज द गैप, बातचीत क्या की जाएगी उसमें, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम एक कंसर्न का टॉपिक है, बातचीत करने का टॉपिक है, जिसमें यह बात की जाएगी कि गैप कहाँ पर है, गैप इन द नॉलेज बेस नीडेड फॉर द प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ये बोलना चाह रहा है, इधर ध्यान दो, कि यह पर्सन है, ये पर्सन है, ठीक है, और ये क्या है, प्रैक्टिस है, ये व्यक्ति की क्या है, प्रैक्टिस है। तो कोई भी व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहा होता है, तो ये पर्सन है और ये प्रैक्टिस है, तो यह व्यक्ति इस प्रैक्टिस से, इस व्यक्ति को इस प्रैक्टिस की कितनी जानकारी है, मान लो 20% जानकारी है, तो इस जानकारी को 50% बढ़ाओ, इस जानकारी को 70% बढ़ाओ, इस जानकारी को 90% बढ़ाओ। तो ये सब क्या हो रहा है, रिफाइन द नॉलेज, किसके द्वारा, रिसर्च के द्वारा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, नॉलेज और व्यक्ति के बीच में जो गैप है, उसके बारे में बातचीत करने का टॉपिक रिसर्च प्रॉब्लम कहलाता है, क्लियर। तो ये तीन डेफिनेशन है, हमने अब इंट्रो देखा, डेफिनेशन देखी, अब हम देखेंगे सोर्सेस, ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कोई भी दिक्कत हो तो बताएं, जैसे एक्सप्लेनेशन कम हो तो वो बताएं, विजिबिलिटी ठीक नहीं आ रही हो तो वो बताएं, ठीक है, आवाज़ की स्पीड ज़्यादा हो, कम है, ज़्यादा है, वो बताएं। देखो, कोई भी चीज़ के बारे में आप जब बताओगे तो उसके में इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय।